कहता है स्वतंत्र रहो और रहने दो, हाँ? तो उसका हद और बेहद का विश्लेषण क्या है? बेहद माने ब्राह्मणों की सृष्टि। इस ब्राह्मणों की दुनिया में ये बात लागू होती है कि नहीं लागू होती है? है? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, तो इस बात में कहां समझने की बात कहां है, बेसमझी की बात कौन सी है? है? खुल के पूछो। वो किसी और का प्रश्न था? हाँ, कोई का भी और का हो, और के प्रश्न को उस और की तरफ से ही पूछो, अपनी तरफ से मत पूछो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हैं? हाँ बाबा, मुक्ति में तो सब जावेंगे। हैं? मुक्ति में तो सब जावेंगे। नहीं 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 नहीं, जो प्रश्न चल रहा है सो पूरा करो। स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने दो। है? माना किसी को कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना तो हम स्वतंत्र कहाँ हुए? वो हमें गाली भी देता जाता है, वो हमें पिटाई करता जाता है, हम भागते जाते हैं, वो हमारे बीवी बाल बच्चों को तंग करता जाता है, हम लिए लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो ये स्वतंत्र है ना हुआ? क्या अधीन हो गए? अधीन। फिर किसका? स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्र रहो का मतलब हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। कोई नाजायज तरीके से हमको दबाव में डालेगा तो हम लड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे, और टकरा करके अपनी स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। हाँ बोलो। अरे आप तो खुल के पूछो। है? अरे जिन्होंने पहले ही अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, तन भी अर्पण कर दिया, धन भी अर्पण कर दिया, वाचा भी अर्पण कर दिया, दृष्टि वृत्ति सब कुछ अर्पण कर दी, वो तो बंधन में है, लेकिन ईश्वरीय बंधन में वो अगर सहन करते हैं, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, तो बोने के लिए तो ये बात लागू नहीं होती। क्या? स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। लेकिन जो नहीं है, सरेंडर नहीं हुए हैं, तो उनके लिए बात लागू होगी कि नहीं? स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रहने, चाहे तो श्रीमत पे चलो और चाहे चाहे ना चलो। और बाबा, मुक्ति में तो सब जावेंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़े ही है। हाँ। दूसरी तरफ मुरली में आता है कि एक बार भी बाप के सम्मुख जो आता है स्वर्ग में जरूर आवेगा। हाँ। अर्थ क्या है? हाँ। इसका अर्थ क्या है? तो 500 करोड़ सन्मुख आवेंगे, आवेंगे नहीं आवेंगे? 10 करोड़ आवेंगे। है? अरे बोलो। 10 करोड़ तो आवेंगे। 10 करोड़ एक बार जरूर आवेंगे। तो स्वर्ग में जावेंगे या नहीं जावेंगे? जावेंगे, जावेंगे। हाँ। क्या पूछना क्या चाहते हैं? मैंने मुक्ति में तो सब जावेंगे। हैं? मैंने मुक्ति में तो सब जावेंगे। वो तो 500-700 करोड़ सब जावेंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़ी है। हाँ। दूसरी तरफ मुरली में आता है कि एक बार भी बाप के सम्मुख जो आता है स्वर्ग में जरूर जावेंगे। तो बाप के सन्मुख मुख के सामने सब जावेंगे क्या? 500 करोड़ उनकी तो बात ही नहीं है, कितनों की बात है? 8-10 करोड़ की बात है बस। हैं? बाकी 500 करोड़ को एक जन्म का मिलता है। 500 करोड़? 500 करोड़ को एक जन्म की है ना, जीवन मुक्ति। हाँ, एक जन्म तो जब जिस समय भी ज्ञान में आए, तो पहले पहले स्टेज में जब आए तो उनकी सात्विक स्टेज कहेंगे या तामसी स्टेज कहेंगे? परमधाम से उतरी हुई आत्मा है
वो तो परम धाम से उतरती है 5000 वर्ष के ड्रामा में, लेकिन यहाँ शूटिंग पीरियड में कहाँ से कहाँ उतरती है? अज्ञानता से किस स्टेज में उतरती है? ज्ञान की स्टेज में उतरती है। अंधेरे से रोशनी में आती है। जैसे गर्भ में अंधेरा है, बच्चे ने जन्म लिया तो कहाँ आ गई? रोशनी की दुनिया में आ गई। तो ऐसे ही है ज्ञान में, जो ज्ञान में पहली बार आता है तो क्या है उसकी, क्या शूटिंग हो गई है? हाँ, जीवन मुक्ति की शूटिंग हो गई। 500-700 करोड़ तो ज्ञान में नहीं आते ना, लेकिन सभी को जीवन मुक्ति मिलती है ना। तो पहली बार में ज्ञान में आते हैं कि नहीं? जब पहली बार आते हैं तो सतो प्रधान स्टेज होती है कि रजो प्रधान तमो प्रधान होती है? 500 नहीं 700 करोड़ भी ज्ञान में आते हैं सारे। आपको मान सकते सारी दुनिया जो है, जो आत्माएं मनुष्य आत्माएं हैं, उन सबको वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ सबको खींचेगा। आत्माओं को किसी को छोड़ देगा है? सबको खींचेगा, सबको खींच के मुक्ति धाम में ले जाएगा, और उनका संस्कार जो है वो खींच करके फिर नीचे लाएगा। कौन सा संस्कार? वो ही सतो प्रधान स्टेज का संस्कार, जब उनकी बुद्धि में पहली बार आया क्या हमें भगवान हमें मिल गया, फिर तेजी से नीचे गिरने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तक की ओर जाने लग पड़ते हैं। माने उनका जीवन मुक्ति का काल 2500 साल का नहीं हो सकता, होगा नहीं हो सकता, क्यों? बड़ी तेजी से नीचे उतरते हैं। इस्लाम धर्म वाले तेजी से नीचे उतरेंगे या सूर्यवंशी तेजी उसी तेजी से नीचे उतरेंगे हैं? इस्लाम मस्जिद ज्यादा तेजी से नीचे उतरते हैं। आर्य समाज जी बहुत तेजी से नीचे उतरेंगे सतो प्रधान से तमो प्रधान की ओर उतरेंगे, या सूर्यवंशी जास्ती तेजी से नीचे उतरेंगे हैं? आर्य समाज जी ज्यादा तेजी से नीचे उतरते, इसलिए उनको जो जीवन मुक्ति का टाइम जो है उनका कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाता है। बाबा, चंदन विश्वव्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग, ऐसा क्यों बोलते हैं? सर्पों को चंदन की सुगंध से मतलब? चंदन है खुशबू वाला पेड़, क्या चंदन का टीका लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं? मस्तक में लगाते हैं। मस्तक मणि का जैसे काम करता है, सुगंध देता है। तो चंदन कौन हुआ जिसको मस्तक में लगाते हैं? सारे संसार की आत्माएं जिसे स्मृति के स्मृति में रह करके मस्तक में इस मुकुटी में धारण करती है याद के रूप में, किसको है? सुगंध और दुर्गंध, ये निराकार की बात है या साकार की बात है? साकार। तो कौन सा साकार है? प्रजापिता है। वो प्रजापिता चंदन का वृक्ष हो गया। चंदन भी दो प्रकार के होते हैं, एक लाल और एक सफेद। ज्यादा कास्टली कौन सा होता है? सफेद नहीं, लाल चंदन बहुत कास्टली होता है। खुशबू उतनी नहीं आती है, लेकिन दवाइयों में बहुत काम आता है। और बाबा, यज्ञ के आदि में योगिनी माँ का कुछ पार्ट है? अगर है, यज्ञ के आदि में योगिनी माँ का कुछ पार्ट है क्या? और अगर है तो किस तरीके से बताना सही है? यज्ञ के आदि में योगिनी का जो माता का पार्ट है, वो पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। क्या पार्ट काई से बजाया जाता है? कर्मेंद्रियों से। और जो भी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनमें सबसे ऊंची इंद्रिय कौन सी है? इंद्रियों में सबसे ऊंची इंद्रिय कौन सी है? मन। तो मन बुद्धि से वो ऐसा काम करती है जो काम कोई भी नहीं कर पाता। क्या काम करती है?
कानों से ज्ञान सुना और मन बुद्धि से धारण किया कि मुख से बल 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 करके बोलना शुरू कर दिया है, धारण किया, तुरंत नहीं बलबलाती है, धारण करके अंदर अंदर रखती है और फिर जब टाइम आता है अच्छे से अंदर पक्का हो जाता है तब फिर वो प्रैक्टिकल में बात सामने लाती है। किसके सामने? ओम राधे और ब्रह्मा बाबा के सामने लाती है। क्या उनकी बुद्धि में बैठता है? क्या बैठता है? क्या बैठता है? इन साक्षात्कारों का अर्थ ये हुआ कि तुमको कृष्ण के रूप में जन्म लेना है और तुमको राधा के रूप में जन्म लेना है। और योगिनी माँ योगिनी माँ लक्ष्मी के लिए नहीं, छोटी माँ, छोटी माँ के लिए नहीं पूछा, योगिनी माँ के लिए पूछा। बता तो दिया अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने कि तुम बच्चे जो हो वो दीदी दादी दादाओं को श्रृंगार करेंगे। यज्ञ के आज में भी तुमने गुण रत्नों से श्रृंगार किया था और इस जन्म में भी लास्ट में भी तुम ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। नहीं बताया? फिर तुम आदि का पार्ट भूल गया। एक क्या है? पर्ची में लिखा हुआ प्रश्न है। पर्ची में लिखा हुआ मेरा प्रश्न नहीं है, मैं तो जानती थी तो पूछने की क्या दरकार। वो प्रश्न जवाब दे देती, मुझे मालूम है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ फालतू। उसे कट्टा लगाओ। और पापा का टूर कब तक चलेगा? बाबा का टूर तब तक चलेगा जब तक भस्मासुर पीछे पड़ेगा है। जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक बाबा का टूर चलेगा कांटों के जंगल में। क्या है? और जब तक बाबा बड़ा नहीं बच जाएगा, बड़ा माने पावरफुल है, पावरफुल नहीं बन जाएगा तब तक गांवों गांवों में कृष्ण कन्हैया भगवान की तरह छुपता फिरेगा। छुपता है कि नहीं है? हा? कब तक छुपना पड़ता है? जब तक पावरफुल, पावरफुल जब तक नहीं बनता है, बड़ा जब तक नहीं बनता है, पावरफुल नहीं बनता है तब तक गाँव गाँव में छुपना पड़ता है। पावरफुल माना संपूर्ण बनने तक है। पावरफुल माना, पावरफुल माने संपूर्ण, हाँ हाँ। लाइट और माइट पावरफुल होनी चाहिए ना है। ओम नमः शिवाय और शिव महापुराण में शंकर को वस्त्रधारी दिखाते हैं और चित्रों में निर्वस्त्र दिखाते हैं, इसका क्या अर्थ? क्या? ओम नमः शिवाय में और शिव महापुराण में शंकर को वस्त्रधारी दिखाते हैं। वस्त्रधारी दिखाते हैं? कौन सा वस्त्र? मना वस्त्र बागंबर पहने हैं और चित्रों में निर्वस्त्र दिखाते हैं। बागंबर कहाँ नहीं पहनता है? चित्रों में कहीं नंगा दिखाते हैं? बा ये तो सब देख लेती है तेरी ही नहीं तो। वो नागा बाबाएं होते हैं वो नंगे रहते हैं है? त्रिमूर्ति के चित्र में तो नहीं दिखा है? त्रिमूर्ति के चित्र में नहीं है ना? वो तो भक्ति मार्ग वालों का चित्र है। त्रिमूर्ति का चित्र जो है वो भक्ति मार्ग वालों का चित्र, ब्रह्मा कुमारियों का चित्र है। हमारे लिए तो बाबा ने बोल दिया है तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए, तो हम तो समझ गए कि हमारा एक्यूरेट चित्र कौन सा है। नहीं समझा? छोटी सी बट्टियां है। नहीं बाबा, बच्ची का प्रश्न है। अच्छा दूसरे का प्रश्न, मैं माँ भूल जाता हूँ। कोई होते हैं वो खराब संकल्प करते हैं और बुरा दूसरों का बारे बुरा सोचते हैं और दूसरों का बुराई करते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं उनको भी बुरा बनाते हैं, तो ऐसों का क्या हाल होगा? ऐसों का हाल बुरा हाल होगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा,
बोया का फूल बबूल बोया बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए, उसे मजेदारी की जिंदगी नहीं मिलेगी है, मौजू की जिंदगी मिलनी चाहिए ना जन्म जन्मांतर। और बाबा बाबा का आखिरी जूती है लक्ष्मी, लक्ष्मी हो गई, बीच में है जगदम्बा माँ, दूसरी बीच में है जगदम्बा माँ, और दूसरी कौन है क्या जोगिनी माँ। देखो कोई कोई जूती लबल की होती है, कोई जूती चमड़े की होती है, कोई टायर की होती है, होती है कि नहीं। अब बाबा ने तो टायर की भी जूती पहनी है, कोई अच्छी जूती पहनने को मिलेगी तो वो भी पहन लेंगे हैं। अब जो पुरानी थी पुरानी होती है वो ज्यादा चरित्रवान होती है कि जो नई नई होती है वो ज्यादा चरित्रवान होती है, बताओ है। दुनिया में देख लो, जो दादी अम्मा होती थी, परदादी अम्मा होती थी, आज से चार पांच जन्म पहले वाली जो कन्याएं होती थी, जो दादी बनती हैं बाद में शादी होने के बाद, वो पहले किशोरावस्था तक आठ आठ नौ नौ साल की हो जाती थी, नंगी फिरती रहती थी। आपने शायद देखा हो किसी या सुना हो किसी से, कोई उनमें भाव नहीं आता था, समाज ही ऐसा गंदा नहीं था। तो जितनी पुरानी ओल्ड इज गुड। तो बताओ छोटी मम्मी ज्यादा पावरफुल वो ज्यादा प्योर कि बड़ी मम्मी ज्यादा प्योर? छोटी मम्मी ज्यादा प्योर। क्यों ज्यादा प्योर? ज्यादा पुरानी है। ज्यादा पुरानी है, अच्छा। और बड़ी मम्मी जन्म जन्म लगे रगड़ हमारी है, जन्म जन्म लगे रगड़ हमारी वरोशा बोला तो। वो तो जन्म जन्म की बात हो गई, पुरानी कौन है? बड़ी मम्मी ज्यादा पुरानी हुई ना, तो ओल्ड कौन हुआ? बड़ी मम्मी ओल्ड हो गई। तो जो बड़ी मम्मी ओल्ड हो गई वो ज्यादा पवित्र कैसे हो गई? बताओ। कीचड़ है, कमल फूल समान। हाँ, क्योंकि कीचड़ की दुनिया में रह करके भी मन बुद्धि को कहाँ रखा? उपराम रखा, इसलिए पावरफुल हो गई प्योरिटी में। मन बुद्धि ज्यादा पावरफुल हुई या कमजोर हुई? लक्ष्मी की मन बुद्धि उसके मुकाबले कमजोर कहेंगे, लेकिन सेवा, सेवा ज्यादा किसने की है? लक्ष्मी ज्यादा सेवा करती है उसके, इसलिए उसके मंदिर भव्य बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। जगदम्बा ने सेवा कम की, डिसर्विस ज्यादा कर दी, ज्यादा पावर होते हुए भी ज्यादा डिसर्विस कर दी, इसलिए मंदिर छोटे छोटे बनाए जाते हैं और मूर्ति भी छोटी सी बनाते हैं। और उससे भी ज्यादा पुरानी कौन है? परदादी। तो परदादी तो और ज्यादा ओल्ड हो गई, तो फिर ज्यादा गोल्ड कौन हुआ? परदादी ज्यादा ही गोल्ड हो गई। परदादी कही जब मैं ज्यादा गोल्ड हूं तो मेरे को फायदा क्या हुआ, बताओ है? लंबे समय तक चलेगा, पवित्र है। त्रिदेवियां आकर के पूजा करती है, क्या क्या फायदा हुआ? तीन देवियां भी आकर के शीश झुकाती हैं, त्रिदेव भी आकर के शीश झुकाते हैं। अब भाई परदादी है तो हाथ पांव थोड़े कम चलेंगे ना, कि नौजवानों की तरह से ज्यादा सेवा करेगी है? है? कम चलेंगे, कम चलेगी। आओ बुद्धि ज्यादा चलेगी। किस बात में?
किस बात में बुद्धि ज्यादा चले तो ज्यादा फायदा है? मनसा सेवा। नहीं, मनसा सेवा में तो शंकर आगे चला जाता है। प्योरिटी में ज्यादा बुद्धि चलती है, कहीं ऐसा ना हो जाए प्योरिटी से इम्प्योरिटी हो जाए किसी बात में। इसलिए शिव बाबा का पार्ट क्या है? अत्री का क्या? शिव बाबा का फर्स्ट पार्ट, शिव बाबा फर्स्ट पार्टधारी किसके साथ आता है? त्रिदेव के साथ। तो त्रिदेव ज्यादा पावरफुल है या वो पहला ज्यादा पावरफुल है? उसका नाम क्या है? अत्री। वो तीन नहीं है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है। उसके ज्यादा सबसे ज्यादा नजदीक रहने वाला कौन है? वो ज्यादा नजदीक रहेगा तो ज्यादा पावर आएगी? नहीं, एवर पावर हुआ कि नहीं? अच्छा, इसे मैं जानता हूँ, तू छोड़ने वाली नहीं है। वो कहती है कि हम भागने को हो तो हमको थप्पड़ मारना, जाने नहीं देना। बाबा, सुभाष चंद्र बोस के जो भी प्रूफ थे ना, सारे छिपा दिए गए और अभी उनको उजागर करने का आश्वासन दे रहे हैं। अभी उसको उजागर करने का आश्वासन दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? माना दुनिया वाले, जैसे सुभाष चंद्र बोस के जो प्रूफ थे ना, सारे छुपा दिए गए थे, उसका जो भी जीवन चरित्र था ना। प्रूफ छुपा दिए गए इसलिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पकड़ना चाहती थी, है? पकड़ना चाहती थी। जैसे अभी बाबा कहते हैं कि कोई पूछे तुम्हारा गुरु कौन है तो बिल्कुल बताओ, हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु कौन है? ब्रह्मा हमारा गुरु क्या? तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये जो कैसे ऐसे कौन चला रहा है, ये है तुम्हारा गुरु? तो अरे ऐसे तो ब्रह्मा कुमारियों में दीदी दादी दादा मुरली चलाते हैं, तो क्या वो गुरु हो गए? नहीं नहीं, ये ज्यादा अच्छा, ज्यादा ज्यादा चलाता है, ज्यादा आप सुनते हैं आप लोग। तो देखो शिवानी को देखो कितना चलाती है, तो शिवानी का गुरु हो गई। माना हर तरह का कोई भी प्रूफ हो छुपा दो, क्या करो? छुपा दो, फिर बाद में क्या होगा? छुपा रुस्तम, अब वो अपने आप खुल जाएगा। और बाबा, लक्ष्मी और गणेश के फोटोज है, लक्ष्मी और गणेश के फोटो ना एक साथ दिखाते हैं। लक्ष्मी और गणेश की फोटो एक साथ दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो बेहद में क्या अर्थ है? पालना की ना लक्ष्मी ने, लक्ष्मी ने भी पालना की है गणेश, जैसे पार्वती ने पालना की है ऐसे लक्ष्मी ने भी पालना की है। तिरसठ जन्मों में किए कर्मों की सजा अभी संगम पर भोगते हैं, या संगम पर किए कर्मों की अभी संगम पर भोगते हैं क्या? हाँ, इस जन्म की भी सजाएं भोगी जाती हैं और तिरसठ जन्म में किए हुए कर्मों की भी सजाएं भोगते हैं। वो तो सभी भोगते हैं, लेकिन संगम युग में जो बाप को पहचानने के बाद या जो बाप को पहचान लेते हैं उनके लिए संगम युग है, तो ज्यादा सजा कौन खाते हैं? संगम में किए हुए पापों की ज्यादा सजा खानी पड़ती है या तिरसठ जन्मों में किए हुए पापों की ज्यादा सजा खानी पड़ती है? हाँ, क्यों? कि ज्यादा जान करके, क्योंकि तिरसठ जन्मों में तो जानते ही नहीं थे इसलिए पाप किए। अज्ञानता के कारण जैसे जेल में बच्चों को सजा कम दी जाती है और जो समझदार बालिग होते हैं उनको सजा पूरी दी जाती है, ऐसे यहाँ भी है। तीसरे जन्म में हम जैसे अज्ञानता के कारण बाल बच्चे थे, इस जन्म में तो हम ज्ञानी हो गए ना, तो बाल बच्चे रहे कि ज्ञानी हो गए, बड़े हो गए, बड़े हैं। इसलिए हमसे अगर पाप होता है, जानबूझ करके भी पाप हो रहा है, तो ज्यादा सजा मिलनी चाहिए कम मिलनी चाहिए? है ज्यादा सजा के भागी बन जाते हैं। और बाबा,
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा लक्ष्मी नारायण को वर्षा देते हैं। शिव बाबा तो हो गया साकार निराकार का मेल, उस समय ब्रह्मा किसको कहेंगे? जगदम्बा को, तेरा भला हो। फिर शिव बाबा नारायण को कैसे वर्षा देते हैं? नारायण को विश्व की बादशाह का वर्षा नहीं मिलता है, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलिंग का वर्षा नहीं मिलता है, ज्ञान का वर्षा नहीं मिलता है। जो ज्ञान में तीखा होता है वो योग में तीखा नहीं होगा। जिसको पहचान ज्यादा गहरी होगी वो याद में तीखा नहीं जाएगा, याद अच्छी नहीं आएगी, आएगी तो ज्ञान योग का वर्षा लेता है पहले, फिर उसके प्रतिफल में विश्व की बादशाही का भी वर्षा लेता है। विश्व की बादशाही का वर्षा जगदम्बा को दे देता है। क्या तुम राज करो जी कालसा, उनका रोना ज्यादा रहा जिंदगी में कि मेरे हाथ में कोई सत्ता ही नहीं दी, सारा अपनी मुट्ठी में, मुझे को कोई पूछा ही नहीं, तो सबसे ज्यादा तुम ही को पूछते लो, संभालो। बाबा जानते हैं कि अंत में इनकी डूबी जा हो जाएगी, महापाप बढ़ जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो भी इच्छा की पूर्ति कर देनी चाहिए। बाबा सीढ़ी के चित्र में जैसे कि क्या त्रेता और द्वापर के बीच में जो भारत दिखाया ना, तो उससे तीन सीढ़ियां कटी हुई है त्रेता की, और दो सीढ़ियां जो है वो द्वापर की कटी हुई है। जो त्रेता के बारे में तो बताते हैं ना, वो मतलब वो आदि में जो आत्माएं थी, तीन आत्मा विदेशा थे, तो द्वापर की जो दो किस चीज की यादगार है, उसके बारे में क्या समझाना है? उस पर ये समझाना है कि जो इस्लाम धर्म की राजाई की शुरुआत होती है वो एकदम बड़ी राजाई नहीं बन जाती है, उसे भी उस धर्म को स्थापन होने में भी दो तीन चार पीढ़ी लगती है, तब वो संपन्न बनती है। शुरुआत में उतनी पावरफुल नहीं होती है कंट्रोलिंग, तीन चार जन्म के बाद फिर इस्लाम धर्म की राजधानी स्थापन होती है पूरी। और बाबा एडवांस में कीचक पटधारी होते हैं क्या? अरे क्यों नहीं होते हैं, कीचक किन्हें कहा जाता है? बाबा ने कहा जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं वो कीचक हैं। क्या कीचक माने? गंदे डर्टी ब्रूट्स, ऐसे मुरली बोला। तो जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमारियों पे नजर डालते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को अपने हथकंडे में लेना चाहते हैं, उनको कीचक कहा गया है। ऐसे ही शास्त्रों में दिखाया है, कीचक द्रौपदी के पीछे पड़ता था, भीमसेन बचा लेता था। बाबा सूर्यवंशी में लास्ट में फाइनल परीक्षा आएगी, चंद्रवंशी में क्यों नहीं आएगी? उनको भी परीक्षा आनी चाहिए ना? है बाप तो जानता परीक्षा लेने वाला कौन है, है? परीक्षा लेने वाला कौन है? है? अरे परीक्षा लेने वाली माया है ना, माया कोई कम ज्ञानी है क्या? है प्रकृति ज्यादा पावरफुल है ज्ञानी है या माया ज्यादा ज्ञानी है? माया ज्यादा ज्ञानी है, बुद्धि योग ज्यादा तीखा है, तो परीक्षा पहले किसकी लेगी? ज्यादा पिछाड़ी किसकी पड़ेगी? है सूर्यवंशी पीछे पहले पड़ती है, इसे मूंड लो पहले, फिर उसके बाद बादशाही तो हमारी है ही, 63 जन्म भी बादशाही हमारी रही है, इसी के पीछे पड़ो पछा। और बाबा ज्ञान में चलने वाले अगर अहंकारी होते हैं तो उनको प्राप्ति क्या होती है? ज्ञान में चलने वाले अगर अहंकारी होते हैं तो उनको क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान में चलने वाले अगर अहंकारी हैं तो वो अपना अहंकार दिखाएंगे, हमने ज्ञान दिया, हमने ये किया, हमने मकान दिया, हमने धन दिया,
तब ये ज्ञान चल रहा है, तब ये सेंटर चल रहा है। फिर उन्होंने उनका सब खत्म हो गया, बोल बोल के रह गया है। बाबा तो कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण, एक हाथ ने दिया और दूसरे हाथ में लिया, अगर तीसरे को मालूम भी पड़ गया तो उसकी ताकत कम हो गई। और उन्होंने चारों तरफ बल 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 करके सुना दिया, मैंने दिया मैंने दिया, मैंने ये किया मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं होता मैं ना होता तो ये सेंटर न चलता। अहंकार पने की बात आई ना, तो फिर उनको कुछ नहीं प्राप्ति होती। अगर अपनी आदत को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही पक्की करती रहेंगे, क्या दिया हुआ ध्यान का मान मर्तबा लेते रहेंगे सुना सुना करके, कि अरे ये तो बड़ा त्यागी है, लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो बड़ा त्यागी है, तो मान मर्तबा ले लिया, यहाँ का यही मान मर्तबा ले लिया, तो वहाँ 21 जन्मों में और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का कट हो जाएगा। और बाबा ने मुरली में बोला है आगे चल के क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना लेंगे, है? आगे चल के क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना, क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना देंगे। दूसरी तरफ मुरली में ये भी बोला है राज करेगा खालसा। खालसा कौन है? अरे खालसा किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। जगदम्बा के माथे पे कौन बैठा है? हैं? चंद्रमा। चंद्रमा, हाँ वो चंद्रमा। और क्राइस्ट में कुछ सामने दिखाया जाता है कि नहीं? हैं? राशि मिलाते हैं। राशि मिलाते हैं, एक ही राशि तो है, हैं? क्राइस्ट कहो क्रिश्चियन कहो कृष्ण कहो, तुम्हारे से सारी राजधानी ले ली थी यज्ञ के आदमी, ली थी कि नहीं? है अलफ को अल्लाह मिला, अलफ को कौन मिल गया था? अल्लाह। और बे को मिली कौन सी बात? सही मिल गई विश्व की बात, सही मिल गई कौन सी मिल गई? है ब्राह्मण परिवार की झूठी बात सही मिल गई, थोड़े समय के लिए मान मिल मर्तबा मिल गया ब्राह्मण की दुनिया का। तो जो आदमी होता है वो अंत में भी होता है, अंत में वो ही कृष्ण। भले शरीर छूट गया तो भी कोई में प्रवेश करके बादशाही ले लेगा या नहीं ले लेगा? ले लेता है। बाबा समय प्रमाण श्रीमत को पहचान कर लौकिक अलौकिक पारलौकिक संबंध में कैसे बैलेंस रखे और उसके लिए क्या कर्तव्य किए जाए? सब बातों का एक ही पुरुषार्थ का जवाब है, खूब याद किए जाओ सारी शक्तियाँ अपने आप आ जाती हैं। क्या बाबा ने बोला है कि हम बच्चों को सिर में चढ़कर संबंधी संपर्कियों के ताकत को ईश्वर संबंधी और संपर्कियों के ताकत को सिर में चढ़कर सिर चढ़कर ईश्वरीय सेवा में लगा देनी चाहिए। क्या लगाने देनी चाहिए? ईश्वरीय सेवा में लगा, प्योरिटी संबंध और संपर्कियों की भी ताकत जो है ईश्वरीय सेवा में लगा देनी चाहिए। हाँ सिर चढ़ के है? सिर चढ़ के, सिर चढ़ के लगा देनी चाहिए। हाँ ठीक है। यदि यदि वो अज्ञानी माने अज्ञानी हो तो भी? अज्ञानी है तो क्या, हम ज्ञानी तो हम ज्यादा पावरफुल लोग हैं हम। हाँ क्या उनका धन भी सेवा में लगा सकते हैं क्या? अरे हम लगा पाएंगे तो लगाएंगे, अज्ञानियों का भी क्यों? वो तो डुबा देंगे सारी ताकत को धन संपत्ति को गड्ढे में डाल देंगे कि ईश्वरी सेवा में लगाएंगे, तो गड्ढे में डाल देंगे। तो हम अगर लेकर के ईश्वरी सेवा में लगा देते हैं तो हम फायदे में रहेंगे कि नुकसान में रहेंगे? और उनका भी कल्याण होगा या नहीं होगा? उनका भी कल्याण हो जाएगा। बात को गहराई से पूछो, क्या कहाँ अटकने की बात क्या है इसमें? यज्ञ के आदमी एडवांस के आदमी वो भाई निकला था, वो कौन? वो जो जो भिखमंगा भारत को भीख देता है,
है? हाँ हाँ, उसने मालूम की थी सेवा की। पहले टूर में जब वो साथ साथ बाबा के साथ गया तो उसने अपने संबंधियों के जो जितने भी महानगर थे उनमें बड़े बड़े जो मुख्य मुख्य संबंधी थे उनके घर में जाके अड्डा जमा दिया। हमारे दोस्त हमारे साथ आए। वो भले नहीं देना चाहते, देना चाहते पूछा भी नहीं, बस जम गए। एक कमरा ले लिया, खाना बनाने के बर्तन ले लिए और आटा दाल चावल ले लिया, सब ले लिया। सात आठ दिन कहीं रुके, चार दिन कहीं रुके, बम्बई में नौ दिन रुके, सारा खींच लिया कि नहीं खींच लिया। कौन बाबा? ये नाम नहीं बताया जाता है, नाम तुम अपना ढूंढो। इतना बता दिया सीढ़ी के चित्र में भिखमंगा भारत को भीख देता है, संबंधियों का खींच खींच के भी दे देता है, हैं? दोनों है अपना। उसके भाइयों ने लड़ाई की, तुम्हें क्या करना है, मकान हमारा क्या नाम क्रीम एरिया में बढ़िया सा मकान था, वो मकान सारा बेच करके चारों भाइयों ने बांट लिया। उसने कहा नहीं, हमें हमारा हिस्सा जरूर चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे, तुम चाहे जो कुछ करो, तुम्हारे बाल बच्चे बीवी बाल बच्चे हम क्या करें, क्यों शादी की तुमने। दोनों ने किया कुछ? हाँ नहीं, उसने एक ने चालाकी की, एक ने लिया लेकिन ईश्वरी सेवा में नहीं लगाया, विरोध में लगाया छोटे वाले ने, और बड़े ने क्या किया, लिया और भक्ति मार्ग में सारा लुटाया। जान बजीरा अभी भी बजाता रहता है, चार छह बार भट्टी की होगी और चार छह बार भट्टी से बाहर चला जाता है। जहाँ पार्वती का ससुराल है वहाँ भूकंप आता है, हैं? बहुत भूकंप आते हैं। और भारत में पार्वती का पियर है इसलिए इधर भूकंप नहीं आता है। इसका पियर है, पियर ससुर घर है, हट तेरी नहीं। भारत में, भारत में। हाँ भारत में पियर घर है या ससुर घर है? हिमालय पियर माने बाप का घर, हिमालय पियर घर है, वहाँ बहुत भूकंप आते हैं। हाँ ससुर घर में कहाँ आते हैं, हिमालय में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। है ज्यादा दबाव कहाँ पड़ता है पृथ्वी के ऊपर, पहाड़ों का ज्यादा दबाव पड़ता है कि मैदान का ज्यादा दबाव पड़ता है? पहाड़ों का ज्यादा प्रभाव। हाँ उसमें जो भूकंप आते हैं उसका असर नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है कि नजदीक है। अरे उसकी जननी कौन सी हुई, जन्म देने वाली धात्री धरणी कौन सी हुई? अरे हाँ हाँ, हिमालय जो है जन्मदात्री धरणी है, तो धरणी कौन है, उसको जन्म देने वाली कौन है? मैना। क्या क्या नाम दिया? मैना करूंगी, जो भी सर्विस करने की बात है वो नहीं करूंगी। तो जो जगदम्बा को ज्यादा भूकंप आएंगे या औरों को भूकंप ज्यादा आएंगे? और जगदम्बा को ज्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि ऊंची स्टेज है, याद की ऊंची स्टेज है कि नहीं जगदम्बा की, हैं? है? हाँ बोल 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 बोल, बोलना है तो बोल, नहीं तो फिर बाद में नहीं मिलेगा, अंदर अंदर कुड़कुड़ाती रहेगी। हाँ है? बोलो। हाँ मुरली में बोला है ना कि मम्मा नेपाल में जन्म लिए हैं, तो नेपाल माना एनएस है ना, तो बेहद का नेपाल एनएस। तो ने, तो जन्म मम्मा ने, मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया। कौन मम्मा? ओम दादे मम्मा।
ओम राधे मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया है। मुरली बोला अब तुम्हारी बोला हाँ तो नेपाल माना एनएस है ना हाँ। तो जन्म का मतलब क्या है? जन्म का मतलब प्रत्यक्षता। तो नेपाल में प्रत्यक्षता रूपी जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, ये लक्ष्मी है। ओम राधे छोटी मम्मी नहीं है? ओम राधे छोटी माँ नहीं है? तो छोटी माँ में प्रवेश करके प्रत्यक्ष नहीं होगी? माना ये एनएस वालों की बुद्धि में बैठ जाता है। एनएस वालों की बुद्धि में जन्म लिया, जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म। वो जो नेपाल के लोग हैं वो पहले जान लेते हैं कि ये छोटी मम्मा है, ये लक्ष्मी है, और दूसरे धर्म वाले जल्दी नहीं पहचान पाएंगे, बाद में तो सभी पहचानेंगे। बाबा मुरली में बोला है शंकराचार्य और विवेकानंद कुत्ते की मौत मरेंगे। है शंकराचार्य और विवेकानंद ऐसे बोला है? है या क्लेरिफिकेशन बोल दिया? है पता नहीं, वो किसी ने पर्चे में लिख कर दूसरे ने दे दिया। हाँ सन्यासी जो है उनको कोई पूछेगा नहीं, जैसे कुत्ता मरता है ना सड़क पे तो कोई पूछता नहीं, पानी के वो नहीं पूछता, मुंह में पानी डाल दे। तो ऐसे ही ये सन्यासी जो है वो कुत्ते की मौत मरेंगे। बोला है हाँ, कोई वो भी सन्यासी था है? है और बाबा दस अवतार में से राम कृष्ण वामन अवतार और परशुराम कलंकीधर ये सब तो मनुष्य के अवतार है, जानवर के अवतार नहीं है? नहीं राम कृष्ण वामन अवतार ये तो राम कृष्ण वो मनुष्य के अवतार है, बाकी जो है सब जानवरों के अवतार है। हाँ? तो क्या दस धर्म का जो दस अवतार है तो उसे कोई कनेक्शन है क्या? और क्या जानवर ऐसा पार्ट बजाते हैं तो जानवरों के अवतार हो गए, जैसे मछली का अवतार है मगरमच्छ का, मगरमच्छ को कौन सा कंट्रोल करती है? गंगा कंट्रोल कर लेती है, ज्यादा ज्ञानी है। क्यों ज्ञानी है ज्यादा? क्योंकि यज्ञ शुरुआत में ज्यादा सतो प्रधान स्टेज का ज्ञान उठाती है। जगदम्बा बच्ची थी, बुद्धि से उतनी ज्यादा सालिम नहीं थी, इसलिए उतना ज्ञान नहीं उठा पाया। और बाबा शास्त्रों में 24 अवतार का भी गायन है ना? हाँ है, चंद्रवंशी सूर्यवंशी दोनों मिलके कितने हुए? 12 12 24 हो गए। बाबा दुनिया में बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता। हाँ आज की दुनिया में कहो, हाँ आज की कलयुग की दुनिया में ऐसे होता है, अक्सर करके हो रहा है। हाँ इसका वहाँ बेहद में शूटिंग कैसे होता है? बेहद में शूटिंग कैसे होता है? बेहद में बाप तो सब कुछ करता है, भी हमारी बच्ची भी है, हमारी पत्नी भी है। हो गई नहीं बोलो, हो गई कि नहीं है? हो गई, हो गई, क्योंकि वो तो भगवान है। क्या भगवान समर्थ है या असमर्थ है? समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक जल समकी नहीं। जैसे सूर्य है, कैसा भी कचरा फैला हुआ है सृष्टि में, सूर्य क्या करता है? सारा जला देगा, सोख लेगा। जैसे अग्नि है, कितना भी कचरा हो क्या करेगा? जला देगा, भस्म कर देगा, राख बना देगा, कोई उसमें बदबू नहीं रहेगी। जल है, बहा ले जाएगा, समुद्र में बहा देगा, अब समुद्र के तल्ले में समा जाएगा, कोई बदबू नहीं रह जाएगी। उनमें ताकत है, इसलिए ऐसा है, वो समर्थ है। हमें इतनी समर्थी थोड़ी ही है। हाँ बाबा, भगवान से सर्व संबंध शरीर से निभाना है या मन से? तन से भी निभाना है, मन से भी निभाना है। नहीं निभाना
तन से निभाने के लिए बाबा के नियम कानून देखना है। बाबा ने नियम बना दिया है माताओं के लिए, क्या कि माताओं कौन सा संबंध पहले पक्का करना है। बाबा बहुत चालाक है, है? देखता है कि माताएं अगर बच्चा बना ले रही है एक बार तो भावना पक्की हो गई, फिर दूसरा संबंध आएगा ही नहीं, तो बच्चे का संबंध हो गया। बच्चे के संबंध में इंद्रियां काम करती है कि नहीं है? हर एक संबंध की रचना अलग अलग इंद्रियों से होती है, तो उन इंद्रियों से संग का रंग लगेगा तो पावन बनेगी। माताएं हो, कन्याओं का अपना हिसाब किताब, माताओं का अपना हिसाब, भाइयों का अपना हिसाब किताब। हाँ, चोर, डकैत, मेहतर, आतंकवादी और दहशत आदि कौन से संस्कार से है? चोर, डकैत, आतंकवादी, मेहतर और दहशत आदि कौन से संस्कार से बनते हैं? चोर चोरी करने से बनते हैं, डकैत चोरी ढमपटाई जबरदस्ती करने से बनते हैं, बाहुबल चलाने से चोरी भी करते हैं, और फिर जब चोर अगर पकड़ा जाए तो फिर बंदूक भी दिखा करके, बाहुबल दिखा करके कब्जे में कर लेते हैं। तो डकैत होते हैं, बाहुबल भी दिखाते हैं, और मेहतर जो है गंध का काम करते हैं सारा, जैसे कीड़े मकोड़ों में गंध ही गंध उछलता है, ऐसे उनकी जिंदगी गंध जैसी होती है, वो देखते थोड़े ही कौन क्या संबंध है। और आतंकवादी आतंक फैलाते हैं ताकि लोग हमारे आतंक से डर जाएं। अब आतंक से सब थोड़े ही डर जाएंगे, जिनको अकल होगी वो तो अकल से काम करेंगे, तुम्हारे आतंक के अधीन हो जाएंगे। और दहशत है, दहशत वही आतंक, दहशत उर्दू शब्द है, आतंक हिंदी शब्द है। बाबा, प्रकृति दोनों हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी है, हाँ। तो जो झाड़ू बनने वाली आत्माएं हैं, झाड़ू लेकर खड़ी है तो प्रकृति खड़ी है, हमारे सामने तो कुछ और आ गया। हाँ चलो पूरा कर लो, ये झाड़ू बनने वाली जो आत्माएं हैं उनका कचरा कौन सफाई करेगा? है? जो झाड़ू बनने वाली आत्माएं हैं उनका कचरा कौन सफाई करेगा? झाड़ू से कीड़े मकोड़े सफाई कर दिए जाते हैं, कचरा वचरा फेंक दिया जाता है, फिर झाड़ू जो पकड़ता है वो झाड़ू को पकड़ने वाला पानी डाल के उसे साफ नहीं करता है, कौन करता है? झाड़ू पकड़ने वाला उसको साफ करता है, ये क्या बड़ी बात हो गई है? झाड़ू को किसने पकड़ा? जगदम्बा ने पकड़ा तो साफ भी करेगी। ओम शांति।